स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, बच्चों आज हम केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। खासतौर पे सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो बच्चे 10th में थे वो 11th में जा रहे हैं, जो बच्चे 11th में थे वो 12th में जा रहे हैं। तो कुछ मिस्टेक्स आम तौर पे हम करते हैं, नोशंस होते हैं बहुत सारे हमारे दिमाग में, क्योंकि जब आप 10th से 11th में जाते हो आपके आसपास आपके सीनियर्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो कई चीजें हमें बताते हैं जिसमें से कुछ चीजें मिथ होती हैं, उन चीजों को मत करना। क्योंकि बेटा जब 10th से 11th में जाते हो तो जो यूज सिलेबस, और 11th से 12th में सेम उतना ही यूज सिलेबस है, तो सिलेबस देखकर तो एक तो ऐसे ही मन करता है नहीं पढ़ने का, ठीक है, लगता है इतना कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो अब पहला नोशन क्या आता है हमारे दिमाग में कि केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। भाई इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, डिफिकल्ट तो फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री इज वेरी इजी, बट केमिस्ट्री इज वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। बट आप नहीं पढ़ोगे शुरू से तो फिर नंबर कैसे आएंगे? इजी होने का ये मतलब थोड़ी कि आप पढ़ो ही नहीं। तो ये एक गलत नोशन है कि इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, इसको तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। सो क्या करते हैं कई बच्चे शुरू शुरू में, जिनको जेई प्रिपरेशन करना वो मैथ्स फिजिक्स में लग जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही फिजिक्स इज द इजीएस्ट, फिजिक्स को समझने में मुश्किल होती है, बट यू कांट स्किप केमिस्ट्री। आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, नीट वाले बायो में लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री को सभी इजी समझ के स्किप कर देते हैं। ये बहुत ही गलत नोशन है। आप बिगिनिंग ऑफ द सेशन से पढ़ना शुरू करो, एंड में पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं समझ आएगी, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैरीज लॉट्स ऑफ वेटेज इन बोर्ड। 50% ऑफ योर क्वेश्चन जो होता है वो बोर्ड में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आती है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। तो पहला ये मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब आपके 10th में 95 है, यू आर थिंकिंग दैट आई एम वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मैं इजी क्वेश्चंस नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आप बेसिक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वगैरह के होते हैं, एग्जाम्पलर होते हैं, वो ना करके सीधा कूद पड़ते हो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे, प्रैक्टिसिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट अ बैड थिंग, बट पहले बेसिक तो कर लो, बेसिक करके फिर जाते हैं डिफिकल्ट। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, हम एनसीईआरटी को तो कुछ वैल्यू ही नहीं ऐड करते और हम चलते हैं बहुत सारे अलग अलग किताबें पढ़ने। तो आज क्या जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो फॉर बोर्ड जेई एंड नीट, बेटा केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हैज बीन वेल रिटन बाय वेरी गुड टीचर्स, बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं, तो एक एक लाइन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो बहुत सारे बुक पढ़ने से अच्छा है कि स्टिक टू योर एनसीईआरटी, एक एक वर्ड उसके समझ लो, बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब एक और प्रॉब्लम है, एक और मिस्टेक जो आमतौर पे बच्चे करते हैं, हम या समझते हैं ना कि इसमें रटने वाली चीज है। ये मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री में तो मैम रटना रहता है ना, ऐसा नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक हर चीज में, इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री में तो देखो एंटायरली लॉजिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो देयर आर ट्रेंड्स एक्सेप्शन, जो लगता है कि ये रटने वाला है, बट देर आर लॉजिक्स, अगर आप लॉजिक समझ लोगे तो आपको वो बहुत ईजिली समझ में आएगा कि ये क्यों हो गया, क्यों ये सर्टेन ट्रेंड है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इसमें ट्रेंड क्यों है, उल्टे पुलटे ट्रेंड का भी कोई कारण होता है। तो लॉजिक इज ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं है कि इंटायर जो है केमिस्ट्री रटाफिकेशन से चलता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं तो उसके आप ट्रिक्स बना लो, और लॉजिक इज ऑलवेज देयर। ठीक है, अब है एक और बात, कई बार क्या होता है हमने नहीं पढ़ा बहुत महीने तक, अब हमें समझ नहीं आ रहा, स्कूल का सिलेबस भी आगे भाग गया, कोचिंग का भी आगे भाग गया, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, हम और पढ़ना छोड़ देते हैं, कि अब और रिपल्सन होता है उस सब्जेक्ट से कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, तो इस पर टाइम क्यों वेस्ट करना, तो हमारा टाइम इंटायरली वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 5 मिस्टेक हो गई। अब 6वीं मिस्टेक ये है कि आप अगर सोचते हो कि यार मैं लास्ट मंथ में पढ़ के इंटायर केमिस्ट्री निकाल दूंगा या कोई भी सब्जेक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी पड़ती है और डेली पढ़ना पड़ता है। अभी के ये 2 साल पढ़ लेंगे बच्चे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत अच्छे जगह सेलेक्ट हो जाओगे। अभी नहीं मेहनत करोगे तो बाद में स्ट्रगल करना पड़ेगा, सो इट्स गुड, अभी एप्ट टाइम है, राइट टाइम है, इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करो। केमिस्ट्री को लेकर ये नोशंस हैं, ये नोशंस हैं, ये सही नहीं है। अभी से पढ़ो, आप 11th में गए हो या 12th में गए हो, अभी से केमिस्ट्री को पढ़ो थोड़ा थोड़ा डेली, हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स, बायो, जो भी आपको, डेली पढ़ो। डेली पढ़ने से क्या होगा, देयर इज अ कंसिस्टेंसी, आप गैप क्रिएट करोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये मिस्टेक्स आमतौर पर बच्चे करते हैं। कई बार सब्जेक्ट्स भी कंफ्यूजिंग होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बॉम्बार्डमेंट की तरह आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आता, तो आप एग्जाम के टाइम में समझने जाओगे तो कैसे समझ में आएगा आपको,
तो इसी वजह से केमिस्ट्री जो खराब जाता है वो इसी रीजन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% वेटेज है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ समझ के पढ़ो। रिएक्शन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास ट्वेल्थ वालों का ये सिलेबस है। फिजिकल केमिस्ट्री आप देख लो 23 मार्क्स का है, 3 चैप्टर है। सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स डीएनएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका 14 मार्क्स का है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर से देखो 33 मार्क्स का। तो आपने देखा 50% ऑफ योर मार्क्स जो है उसका 50% वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स और इनऑर्गेनिक 14। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में समझ नहीं आता। इनऑर्गेनिक आप लास्ट मोमेंट में कर भी सकते हो, फिजिकल भी ऐसे नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% समझ नहीं आएगा एंड में। सो शुरू से पढ़ते रहिए, इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।